नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। रूबरू होते हैं आज की खास खबरों से। आज घाटशिला महाविद्यालय के एनएसएस इकाई ने कॉलेज के परिसर में कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर इंदर पासवान के नेतृत्व में विद्यार्थियों के बीच कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया। वॉलंटियर्स ने पोस्टर और स्लोगन बनाकर परिसर में उपस्थित विद्यार्थियों को मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी उपाय को अपनाने का आग्रह किया। वॉलंटियर्स द्वारा बनाए पोस्टर्स और स्लोगन्स को कॉलेज के मेन गेट सहित सभी जगहों पर चिपकाया गया। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर पी के गुप्ता, डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर एस के सिंह, प्रोफेसर डी जी सेवा समेत सुपाई सोरेन, सुदामा हेम्ब्रम, सुपाई सिंह हाँसदा, सुनाराम सोरेन, सकला मुर्मू, ऋषिकेश साव, भगीरथ गोप, ममता किस्कू, इति गोप, भावेश भगत, मिहिर भगत, यशोदा मोल आदि वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। कल दिनांक 10/4/21 को एनएसएस वॉलंटियर्स कॉलेज परिसर को सैनिटाइज करने में अपना सहयोग देंगे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। वो खुद जागरूक हो और अपनी जागरूकता से दूसरे लोगों को भी जागरूक करें, हमारा बेसिक उद्देश्य यही है। एनएसएस के बच्चे हैं जो तुम लोगों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आज शुरू किए हैं कि कम से कम अगर भीड़ भाड़ में हो तो थोड़ा दूर रहो, क्योंकि काम है तो एक साथ रहना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर रखो, जगह है दूर दूर में खड़ा रहो और किसी भी हालत में नाक और मुंह एक्सपोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका एंट्री पॉइंट यही है नाक और मुंह, इसलिए इसका ख्याल रखना। ठीक है बेटा, जान है तो जहान है, फिर जब समय ठीक होगा तो फिर मजा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा साहस, बाकी सब ठीक हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए झारखंड सरकार द्वारा रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक अनावश्यक लोगों के परिचालन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। इसका असर भी दिखने लगा 8 तारीख की रात्रि में, जमशेदपुर जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा इसका कड़ाई से पालन करवाया गया। वहीं घाटशिला में भी नाइट कर्फ्यू का अनुपालन किया गया। सरकार के आदेश पर लोगों ने 8 बजते ही अपनी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद कर दिए। रात्रि 8 बजे के बाद रोड पर सन्नाटा देखा गया। चौक चौराहों का जायजा लेने घाटशिला अनुमंडल अधिकारी सत्यवीर रजक, घाटशिला प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव गश्ती की एवं नाइट कर्फ्यू का सख्ती से अनुपालन करवाया। वहीं घाटशिला थाना व मोभंडार ओपी पुलिस लगातार गश्ती करती देखी गई। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। भारत सरकार, राज्य सरकार का जो कोविड को लेकर के नई गाइडलाइन आई है, उसके तहत 8 अप्रैल से सभी दुकानों को संध्या 8 बजे से बंद करना है। उसको लेकर के सभी मार्केट प्लेसों में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है और आज हम लोग जो है थाना प्रभारी है, हमारे सिटी मैनेजर है और यहाँ साथी बाज़ार में कुछ हम लोग आए हैं और सभी लोगों को एक दो दिन पहले से अनाउंसमेंट करके राज्य सरकार की गाइडलाइन को बता दिया गया है। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि दुकानदार खुद अपने से दुकान 8 बजे बंद कर दिए हैं। लगातार आज हम लोग मीटिंग किए हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट से हो, चाहे वो होटल से हो, चाहे वह क्लब से हो, चाहे किसी तरह का बैंक्वेट हॉल हो, सभी को ये निर्देश दे दिया गया है कि जो सरकार का गाइडलाइन है उसको अच्छा सा पालन किया जाए ताकि जमशेदपुर को हम लोग जो कोविड से बचा सकें। आप देखेंगे कि कोविड की तरह से फिर दोबारा जो है नए स्ट्रेन के साथ हम लोग के आम जिंदगी में तेज़ी से फैल रहा है, लोगों को ग्रसित कर रहा है, संक्रमित कर रहा है, जिससे आमजनों के खतरा बढ़ गई है। उसको लेकर के सभी सिटीजन को अवेयर होना है, चाहे वह दुकानदार हो, चाहे सिटीजन हो, चाहे किसी प्रकार का जो मानव जाति हो, जो खतरा उत्पन्न हुआ है, सबको अवेयर होने की आशा कवायद करनी होगी, कोशिश करनी होगी। और इसको लेकर के हम लोग जो है यहाँ पे आ जाए हैं और सभी दुकानदारों को हम लोग अपील करते हुए हम लोग इसको बंद करा रहे हैं और बंद कराने का अभी तक तो नौबत नहीं पड़ी है, लेकिन दुकानदार खुद अपने से बंद कर चुके हैं। तो मैं आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो कोविड का खतरनाक दौर आया है उसको लेकर के सभी जनता सजग हो जाए और बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले, और अगर निकलते हैं बहुत आवश्यक काम है तो निकले, और निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का यानी 6 फीट की दूरी का अनुपालन जरूर करें। साथ में जितने भी प्रकार की गाइडलाइन आए हैं सरकार का, उसका अनुपालन अवश्य रूप से। बहुत राज्य में जो है ये बात नहीं कही गई है, ओनली दुकानों को बंद करने की बात कही गई है और बाद में ये सरकार की अंदर चीज़ें हैं वो निर्णय लिया जाएगा।
जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत टाटा पिगमेंट के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जुगसलाई विधानसभा के विधायक मंगल कालिंदी ने शहीद मंगल पांडे के प्रतिमा पर फूलों का माला पहनाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं विधायक मंगल कालिंदी बताया कि शहीद मंगल पांडे को अंग्रेजों से संघर्ष करने पर उसके शासन काल में फांसी पर चढ़ाया गया, इनकी बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। मौके पर नरेश लाल, प्रवीण प्रसाद, अमर तिवारी, प्रकाश शर्मा, नेतागण आदि मौजूद थे। जमशेदपुर से शाहजादा खान की रिपोर्ट। भारत वर्ष के स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद मंगल पांडे जी के पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि सभा में, जहां बड़े बुजुर्ग युवा साथी सब उपस्थित होकर हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं और वीर मंगल पांडे जी ने अंग्रेजों का विरोध करके अंग्रेजों से लड़ने का काम किया। पूरे भारत वर्ष के जनमानस के लिए और लड़ते लड़ते अंग्रेजों का सर झुकाने का काम किया और अपने सर उठाकर फांसी में इनको चढ़ाया गया। आज हमें वीर मंगल पांडे जी के पद पर चलकर हमें दबे कुचले लोग, असहाय लोगों के लिए लड़ने की आवश्यकता है, तब जाकर हम लोग इसको सच्चा श्रद्धांजलि दे पाएंगे और आगे हम लोग शहीदों का ही बल पर, शहीदों के रास्ते पर चलकर असहाय लोगों का मदद करना, उनका साथ देना और अन्याय के विरोध में लड़ना, यही संकल्प लेकर हम लोग चल रहे हैं।